बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम धामी, मीडिया से की बातचीत, कहा बीजेपी फिर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष को कहा गद्दार, हरीश रावत ने साधा निशाना, कहा बीजेपी भोग रही पाप का परिणाम। लक्सर में बीजेपी का एक्शन, चार बीजेपी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित, विरोधी गतिविधियों के चलते हुई कार्रवाई। कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे भटवाड़ी, ग्रामीणों से की मुलाकात, कहा चुनाव खत्म, समाज सेवा जारी है। नमस्कार, देवभूमि के मेगा बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कावित चौहान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी की सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता लागू करने के मद्देनजर विशेषज्ञ कमेटी गठित की जाएगी, फिर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए ये आवश्यक है। लक्सर से विधायक संजय गुप्ता के वायरल वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इसकी सत्यता भी प्रमाणित नहीं है। गुप्ता से भी बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है, इसे लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कानून उत्तराखंड के अंदर हो, और क्योंकि ये हमारे लिए एक पूरे देश के लिए भी, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां से इस प्रकार की व्यवस्था होगी। दो आज से पहले उदाहरण हमारे सामने है, और उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार अपने उसमें कहा है कि राज्यों को ये लागू करना चाहिए, और नहीं लागू करने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। इसलिए हम इसको लागू करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मैं इसके साथ साथ अपने प्रदेश में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर अथक परिश्रम किया है। हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिलों में बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने लगातार मुस्तैदी से डट कर जगह जगह पर मुकाबला किया है। बड़ा मतदान करवाने में भी उन्होंने लगातार काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और आप सब लोगों का, मीडियाजनों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भी लगातार हमारी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, एक ही मतदान हुआ है, इसलिए सभी के हम आभारी हैं, सबका धन्यवाद। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ जुड़ गए हैं देहरादून से। सुभाष जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरी घटना जिसको लेकर आज धामी ने भी बातचीत की है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है 14 फरवरी को मतदान उत्तराखंड में हुआ, और एक ही चरण में पूरे प्रदेश में मतदान हुआ, तो उसके बाद आज मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून पहुंचे खटीमा से चुनाव को संपन्न करने के बाद, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से होते हुए प्रदेश लोगों को धन्यवाद किया कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान किया, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की धन्यवाद किया कि उन्होंने मजबूत करने के लिए और लोगों को बताने के लिए मुस्तैदी से कहा, पार्टी का जो झंडा है वो उठाया और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। सरकार ने 5 जो बेहतर काम किए हैं उनको देखते हुए एक बार फिर भाजपा को मौका दिया जाए, यानी कि चुनाव में जो चुनाव की जिम्मेदारी जिन जिन लोगों को दी गई थी उत्तराखंड में भाजपा के तौर पर, उन सभी का धन्यवाद करते मंत्री ने ये भी कहा कि इसके साथ ही मीडिया की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही चुनाव को लेकर। उन्होंने जन जन तक भाजपा सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंचाई, तो सभी का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए जी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि समान नागरिक संहिता जो है उसको भी लागू किया जाएगा, तो इसमें काफी पेच होते हैं, तो क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला है या फिर इससे इतर भी कुछ है? कहा जा सकता है चुनाव मतदान तिथि के पहले जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की थी, और उस घोषणा के साथ ही ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई थी, और क्योंकि चुनाव संपन्न बातचीत की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उत्तराखंड की जनता उन पर भरोसा करके उनको विधानसभा तक पहुंचाएगी, प्रदेश में एक बार फिर से उनकी सरकार बनाएगी, तो सरकार जल्दी शपथ लेगी, उसके साथ ही सिविल कोड को लेकर वो फैसला लेगी, कमेटी बनाएगी और जल्द से जल्द उस पर काम करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये चुनाव तिथि के पहले की घोषणा भी की थी। और साथ ही साथ ये गुप्ता के वायरल वीडियो को लेकर भी काफी बवाल बचा हुआ है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसकी सत्यता भी प्रमाणित नहीं हुई है, उनसे बात की जाएगी, क्या है ये पूरा मसला, इसको थोड़ा विस्तार। उनकी पार्टी के, और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष तक
गंभीर आरोप लगाए क्योंकि जल्दी मतदान खत्म हुआ, उसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इस वीडियो के बाद से ही उनसे बात करने की कोशिश की जा रही, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना है कि यदि इसमें कोई भी सच्चाई होगी तो वो उनसे बात करेंगे। और इसके साथ ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, तमाम नेता, सभी लोग उनसे बात करने के बाद आगे का विचार करेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि संजय गुप्ता ने जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आया। मुख्यमंत्री ने कहा इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी चीजें सामने निकल कर आएगी उस हिसाब से आगे पार्टी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी, ये जो वायरल वीडियो है सुभाष जी, इसके बाद आपको क्या लग रहा है? आप सियासत को करीब से समझते हैं उत्तराखंड की, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी बैकफुट में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री उतना स्पष्ट होकर कुछ कह नहीं पाए इस मसले को लेकर? क्योंकि ये संगठन के स्तर का मामला है और मुख्यमंत्री इस बाबत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा कि इस पर जांच की जाएगी और जो संजय गुप्ता है उनसे भी बात की जाएगी कि आखिरकार क्या वजह है कि वो इस तरीके के गंभीर आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर लगा रहे हैं, वो भी ठीक मतदान होने के बाद से ही। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि मतदान तो जरूर हो गया, लेकिन संजय गुप्ता ने जिस तरीके से कहा कि उनको हराने की कोशिश प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई, हालांकि वो भी हरिद्वार जनपद से ही है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चिंता जरूर भाजपा की बढ़ रही थी, लेकिन संगठन के तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि भाजपा एक संगठन पार्टी है और संगठन के स्तर पर वहां काम किया जाता है, यदि इन बातों में कोई भी सच्चाई होगी तो संगठन अपने स्तर से उसको देखेगा। और संगठन, क्योंकि कई दौर की बैठकें संगठन में की जाती है, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बुलाकर बातचीत करने की हो या फिर संजय गुप्ता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, वो किस तरीके के तथ्य संगठन के सामने रखते हैं, उसके बाद ही पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही मतदान हुआ उसके बाद एक बड़ी बगावत ये कहा जा सकता है कि पार्टी में नजर आई और उनके जो प्रत्याशी थे भाजपा की तरफ से, उन्होंने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर काफी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इसको लेकर कहीं ना कहीं जांच जरूर संगठन के तौर पर की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इससे बचते हुए नजर आए। जी, चलते हैं, पार्टी को तो नुकसान कहीं ना कहीं होगा ही, लेकिन एक चीज ठीक रही कि टाइमिंग जो थी वो चुनाव के बाद रही, तो ऐसे में सियासी नुकसान उतना ज्यादा नहीं हो सकेगा क्योंकि वोट पड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुभाष जी, हमारे साथ जुड़े आप। तो आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब गुप्ता के वायरल वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी सत्यता भी अभी प्रमाणित नहीं हुई है, बाकी गुप्ता से वो खुद बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो विधायक संजय गुप्ता का एक वायरल वीडियो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में भी सुर्खियां काफ़ी पा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो बातचीत करेंगे और बाकी बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उत्तराखंड में चुनाव समाप्त होने के बाद अब सभी नेताओं ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत 48 पार का दावा कर रहे हैं तो सीएम धामी 60 के पार का दावा कर रहे हैं। खैर, बीते दिन बीजेपी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगा दिया। संजय गुप्ता ने वीडियो जारी कर संगठन और हाईकमान से मदन कौशिक को अध्यक्ष पद से हटाने और कार्रवाई करने की मांग की। संजय गुप्ता का आरोप है कि मदन कौशिक ने भाजपाइयों को सपा के प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहा, जिसके बाद हरीश रावत ने संजय गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगाए गए आरोप के बाद कहा कि 2016 में बीजेपी की तरफ से किए गए महापाप का परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड और उत्तराखंडियों की रक्षा का चुनाव है, ये लोकतंत्र अम्बेडकर साहब के संविधान की रक्षा का प्रश्न है। ये प्रश्न उत्तराखंड के चतुर्मुखी विकास को फिर से पटरी पर लाने का चुनाव है, तो आप निकलिए, आप देर न करिए। अगर पड़ोस में भी कोई भाई बहन है तो उनको भी प्रेरित करिए और मतदान केंद्र पर जा करके बस सीधे जो बटन दबाना है आपको मालूम है, वो बटन राज्य की तकदीर को खोलेगा, तकदीर को आगे बढ़ाने का काम करेगा। राज्य की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। आइए, आपका बहुत धन्यवाद।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उनके जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु बद्री और बाबा केदार जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। तो ट्वीट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल हरदीप सिंह पुरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर के जरिए बधाई दी है। ये उसी का एक स्नैपशॉट है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिखा गया, ट्वीट किया गया टेक्स्ट मैसेज और उसके साथ हरदीप सिंह पुरी जी का फोटो, जिसके द्वारा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरदीप सिंह पुरी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जन्मदिवस पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी हरदीप सिंह पुरी को जन्मदिवस की बधाई दी है। मदन कौशिक ने ट्वीट कर लिखा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, माँ गंगा से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि आज हरदीप सिंह पुरी का जन्मदिवस है, जिसके बाद कई नेताओं ने उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी हैं। उत्तराखंड में बीजेपी भले ही अब की बार 60 पार का नारा दे रही हो, लेकिन मतगणना के ठीक बाद पार्टी के विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि मदन कौशिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मदन ने प्रत्याशियों को हराने का काम किया है, इतना ही नहीं उन्होंने गद्दार की भूमिका अदा की है। यह आरोप पार्टी के विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता के हैं। इसे जानकार भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में परिणाम के बाद दिख रही बड़ी हार के तौर पर भी देख रहे हैं। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर सी झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूँ उसे तत्काल पार्टी से निकाला जाए। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तराखंड की जनता का आभार जताया। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि कल अपने मत का प्रयोग कर नव परिवर्तन की लहर पर मोहर लगाने वाली उत्तराखंड की सामान्य जनता का हार्दिक आभार। आपके आशीर्वाद से ही उत्तराखंड 21 साल के कुशासन से निकल प्रगति की राह पर अग्रसर हो पाएगा। उत्तराखंड नव निर्माण का संकल्प हम सबको मिलकर पूरा करना है। उत्तराखंड के मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, महिलाओं, मेरे छोटे यार दोस्तों, मेरे भाइयों, कल 14 तारीख को, 14 फरवरी को शाम को 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो गए। मैं पूरे उत्तराखंड में इस इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग के लिए जगह जगह घूमा हूँ। मेरा आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है। मैंने आप लोगों के अंदर देखा है कि किस लगाव से, किस प्यार से, किस भावना से आप मेरे को अपनी तरफ बुलाते थे, किस तरीके से आप मेरे से बातें करते थे, कैसे आप मेरे को आशीर्वाद देते थे, क्या मिठाइयाँ आप लोग मेरे को लगाते थे, घर का बनाया हुआ भोजन जैसे अपने बच्चे को खिलाया जाता है आप वैसा करते थे। आपने मेरे के अंदर एक बहुत बड़ी
जज्बे वाली भावना भरी थी। आप मेरे को उम्मीद से देखते थे कि मैं शायद उत्तराखंड में आप जो भविष्य में सोचते हैं आपके साथ मिल करके उसे पूरा कर पाऊंगा। मैं आज जब इलेक्शन ख़त्म हो गए तो कामर गांव में आया हूं, आज 15 तारीख को, और इस गांव से मैं पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरा उत्तराखंड के समाज, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपने अपने कर्नल अजय कोठियाल को एक विश्वास दिलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसका साथ दिया कि उत्तराखंड के नवनिर्माण में आम आदमी पार्टी की जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी की जो समझ है, उसको किस तरीके से पूरा कराया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हरिद्वार में बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान की तरफ से बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार विधानसभा लक्सर में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण चारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। अभी हाल ही में विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें विधायक संजय गुप्ता की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के इशारे पर स्थानीय कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के बजाय दूसरे दल के प्रत्याशी के लिए कार्य करने और पार्टी को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के दूरस्थ गांव कामर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वहां के ग्रामीणों से मुलाकात की। इसी के साथ ही कर्नल अजय कोठियाल ने वहां के ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है पर समाज सेवा अभी भी जारी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। कर्नल अजय कोठियाल आज पहुंचे, साथ ही साथ उन्होंने लोगों से कहा कि समाज सेवा भी जारी है चाहे चुनाव खत्म हो चुके हों। तो आपको बता दें कि भटवाड़ी ब्लॉक के दूरस्थ गांव कामर पहुंचे थे कर्नल अजय कोठियाल, जहां पर उन्होंने जनता से कहा कि चुनाव भले ही खत्म हो चुके हों लेकिन समाज सेवा अभी भी हमारी ओर से जारी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सतपाल महाराज दिन रात चुनाव प्रचार में लगे बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र के मतदाताओं से मिले और अपार स्नेह, प्यार और समर्थन के लिए उनका धन्यवाद दिया। उन्होंने सतपुली पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मतदान के बाद क्षेत्र के कई बूथों पर बीजेपी को मिले संभावित वोटों के विषय में भी जानकारी ली है। मैं चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य मतदान करके हमारे इस अभियान को सफल बनाया। इसके साथ साथ हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता भी, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाया। इसके साथ साथ जो अधिकारीगण हैं जिनकी मेहनत से हमारा ये चुनाव संपन्न हुआ, उनको भी धन्यवाद मैं देता हूं और बड़ी शांति से हमारे चुनाव हुए, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें इसी तरह एकजुट होकर के आगे बढ़ना है ताकि हम उत्तराखंड का विकास कर सकें। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक छोटी कार पाले से फिसल कर एक बड़े पत्थर पर चढ़कर बड़े हादसे से बाल बाल बची। बताया जा रहा है कि कार में बैठे लोग वोटिंग के लिए थराली जा रहे थे, जाते समय ये छोटी कार पाले से फिसल कर एक पत्थर पर चढ़ गई, जिससे कि कार में बैठे लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। वहीं स्थानीय लोगों ने कार को सुरक्षित निकालकर रोड पर लाया। घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। वीरानीपुर विधानसभा के रामधाम कॉलोनी पोलिंग बूथ पर मतदान के बाद हंगामा हो गया। अन्य राजनीतिक दलों ने बीजेपी पार्टी पर मशीन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। रानीपुर विधानसभा के बसपा और सपा सहित कांग्रेस प्रत्याशियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और मीडिया कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं चमोली में हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारी से 6 साल की एक छात्रा जूझ रही है। वहीं आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण छात्रा के परिजन इलाज नहीं करा पा रहे। छात्रा कर्णप्रयाग ब्लॉक के माठा गांव की रहने वाली है। छात्रा के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं उन्होंने मीडिया के जरिए समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है, जिससे वो छात्रा का आगे इलाज करा सके।
लक्सर के खानपुर क्षेत्र के गिद्धावाली गांव में अजीत नाम का युवक गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों की तरफ से चुनाव को लेकर हल्ला मचाया जा रहा था। इसी बीच अजीत के वोट को लेकर युवकों से झड़प हो गई। वहीं उसकी पत्नी अंजू का आरोप है कि युवकों ने एक प्रत्याशी को वोट ना देने की बात कहकर अजीत को गोली मार दी। कई राउंड फायरिंग करती गई जिससे एक गोली अजीत को लग गई। वहीं गोली लगने से अजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पौड़ी देवप्रयाग मोटरमार्ग पर सड़क हादसा हो गया जहां पर कार 200 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घायलों से मिलने के लिए पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया है। तो फिलहाल देवभूमि के इस मेगा बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।